ये है देखो कंफर्म, देखो ये आ जाओ, ये है कंफर्म, ये कंफर्म, ये यहाँ कंफर्म है, ये कुछ यहाँ भी हिल गया है, ये है कंफर्म, वो है कंफर्म, यहाँ लगता थोड़ा दूर दूर भी देखते रहो साथ साथ। हाँ चलो नीचे देख के चल रहे, लकड़ी घाट वाले चल रहे, सीधा वही सामने मिले बैठा हुआ कि पगमार्क मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे होते हैं ऊपर तो देखो, जनरल पग बाहर से दिखाता हूँ, तुम्हारा ध्यान किधर है, पग वाला इधर है ये देखो सबसे अच्छा देखिए ये वाला, ये देखिए यहाँ पे अब मिलना शुरू होंगे, हार्ड है ना थोड़ी सी जमीन, ये देखिए ये चल रहा है, यहाँ से निकला अभी तो पत्थरों में बैठा होगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ नहीं नहीं भाग जाएगा, ये कितना सुंदर है, ये तो बारीक है ना, ये देखो पूरे में लग रहा है, ये इतना बड़ा पैर है इसका, लपड़ है ये, हाँ लपड़ है ये, पूरे आगे लगे हुए, देखो झाड़ी के मैं बोला था ना किनारे किनारे चलता है ऐसे ऐसे दिखेगा आपको जाता हुआ, झाड़ी से थोड़ी आगे लेके चलता है। हाँ उसको पता है कि मेरे को कौन सी जमीन पे पांव रखना है, देखिए जंगल का पहला रूल बच्चे पे तेज तेज पैर नहीं रखना है, क्योंकि अगर आगे जानवर होगा तो आपकी आवाज से भाग जाएगा, और हमें उसे भगाना ही है वरना वो हमें भगाएगा, वैसे तो उसे भगाना ही है लेकिन दूर से दिखे तो अच्छा। देखो जब आप लोग चलते हो ना तो आप लोग ध्यान देते हो कि आगे क्या है, पगमर कहाँ है, मेरा पता क्या ध्यान होता है, देखो कि ऐसा पेड़ कहाँ है जब वहां से चार्ज करेगा तो सबसे पहले ऊपर, जब तक वो आएगा तब तक इसके ऊपर 10-15 फीट तक तो कम से कम चली जाए, लेपर्ड के केस में नहीं टाइगर के। हाँ तो रात पे यहाँ आओ ऐसी ट्रैकिंग करते पैदल 2 बजे के आसपास, और सब लोग 2-2 करोड़ का इंश्योरेंस करा लो, पहले इंश्योरेंस करा लो, देखो क्यों बोल रहा हूँ इंश्योरेंस करा लो, ये देखो कुबेर जी आओ आप ढूंढ रहे थे, मैंने ढूंढ लिया ये लो, ये देखो ये है, कह रहा हूँ मोटा रहता है ना उनके कंफर्म, पूरे बना हुआ है पगमार्क, ऐसे निकला हुआ ना, ऐसे निकल गया, यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता है। अब आप ये देखो ये जगह देखो, हाँ ये जगह ऐसी जगह में तो बैठा होता है, हाँ आराम से, और शिकार करके इसी में कुछ जानवर चला है बस पकड़ दबोच लिया, और की नहीं है किसी और जानवर की, सिंह यार की, और आगे रास्ता बंद है तो ये रास्ता नहीं है, यहाँ बाकी मोर वोर और ये सब तो आ जाएंगे, है ना, तो टाइगर या लेपर्ड तो है वो रास्ते के ऊपर ज्यादा करेगा, हाँ बाई चांस तो है वो कहीं भी बैठ भी सकते हैं, और आराम सकते हैं, जो लोग गांव के किनारे पर रहते हैं ना वो सुबह घूमने आते हैं तो उनको कभी कभी इस पर टाइगर और लेपर्ड चलता हुआ देखा, अभी 6 बजे लेपर्ड भागता हुआ देखा ऊपर ऊपर से, हाँ ऊपर से यहाँ पर, ये गांव है बिल्कुल वहीं पर मकान है आगे जाके, शाम से पहले निकल लो, हाँ तो बढ़िया है, गांव वाले तो शाम से पहले निकल रहे, हाँ निकल रहे उनको पता होता है ना, और वो आते भी हैं तो एक बार शोर मचाते हैं ताकि हमें बहुत साइड में हो जाए, उनका झुंड आता है ना, झुंड गांव वाले झुंड बना के चलते हैं कि अगर कोई एक्टिविटी होगी भी तो भाग जाएगी। दोस्तों इस समय बिल्कुल नाले के बीचों बीच है, हाँ फॉरेस्ट है और ये पूरा फॉरेस्ट है, जो आपका आवाज आ रही है ये राइट साइड में लेती हुई नजर, और वहाँ पे लोग कुछ लकड़ी काट रहे हैं, इस वजह से थोड़े से हम रिलैक्स भी हैं, क्योंकि शोर में जो है खतरा निकल थोड़ा कम ही आता है, पर ये जो टाइम है ये उनके निकलने का टाइम हो गया है पूरी, अगर टाइगर ने इस समय आना है तो वो आएगा ही, वो शोर से भी हटेगा नहीं, हटेगा टाइगर जो है ना साफ सुथरी जगह में चलना पसंद करता है, शिकार करने में भी आसानी होती है, देखने में आसानी होती है, कहीं दूर तक देख लेगा उसकी तो नजर उसको, शिकार करने में आसानी होगी, जंगल में होगी झाड़ियों के निशान आएंगे, वो आवाज़ आएगी पत्तों की आवाज़ आएगी, तो उससे ज़्यादा ये इसमें पसंद करता है, और जानवर भी खुले में रहना पसंद करता है, खुले में रहना, हाँ अपने बचाव के लिए, लेपर्ड भी मैंने देखा है वो जो पत्तों वाली ट्रेल जो थी ना, हाँ वहाँ नहीं चलता, उसके साथ जो जहाँ भी कच्ची जमीन है या पत्थर है जहाँ, हाँ उसमें चलना, उसमें चलना पसंद करता है वो, सारे घर सब ये टाइगर के और लेपर्ड के ही हैं, एक जगह पे नहीं है ये पूरी जगह पे, हर जगह क्योंकि इसमें ऐसी रेत नहीं है ना जो निशान नहीं दिख रहे, कहीं कहीं ऐसी रेत होगी जहाँ पर आपको पंजे दिखाई देंगे, वो डिपेंड करता है ना कि यहाँ पे कितने टाइम पहले एक्टिव था वो,
उस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है एक हफ्ते पहले आया हो, उससे कल रात को आया हो, वो भी मैटर करता है। और ये तो पत्थर ही ला कैसा रहा है यहाँ तो निशान तो बहुत है, लेकिन ये समय नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन कहीं फील्डर भी नजर आता है। आदमी भी चला हुआ है लकड़ी वकड़ी वाले, ये गांव वाले भी क्रॉस करते हैं ना ये लकड़ी के लिए ना, मतलब अभी वहाँ वो आवाज आ रही है लकड़ी काटने की, तो गांव वाला कोई लकड़ी काट रहा है। ये देखिए सबसे अच्छा, देखिए ये वाला, ये देखिए यहाँ पे अब मिलना शुरू होंगे, हार्ड है ना थोड़ी सी जमीन, ये देखिए ये चल रहा है, यहाँ से निकला ऐसे निकल गया, उधर ही जा रहे हैं। अरे तो पत्थरों में बैठा होगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ नहीं नहीं भाग जाएगा ऐसा है ना, वहाँ देखो वो है वो जो, ये देखो ये कितना शानदार है, ये तो बारीक है ना, ये देखो पूरे में लग रहा है, ये इतना बड़ा पैर है इसका, लपड़ है ये, हाँ लपड़ है ये, पूरे आगे लगे हुए। देखो झाड़ी के मैं बोला था ना किनारे किनारे चलता है ऐसे ऐसे दिखेगा आपको जाता हुआ, उसको पता है कि मेरे को कौन सी जमीन पे पांव रखना है। देखिए शाम से पहले निकल लो, तो बढ़िया है, गांव वाले तो शाम से पहले निकल निकल रहे हैं, उनको पता होता है ना, और वो आते भी हैं तो इस बार शोर मचाते हैं ताकि हमें बहुत साइड में हो जाए, उनका झुंड आता है ना, झुंड गांव वालों झुंड बना के चलते हैं कि अगर कोई एक्टिविटी होगी भी तो भाग जाएगी, वहाँ खतरा महसूस नहीं होता। एक्चुअल निशान जो दिखते हैं ऐसे में दिखते हैं, ऐसे में प्रॉपर ऐसे रेत पे ना, ऐसे रेत पे निशान दिखता है, देखो ये पतली वाली रेत है, लगे हाँ लगे तो यहाँ भी है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, ये है देखो कन्फर्म, देखो ये आ जाओ, ये है कन्फर्म, ये कन्फर्म है, ये यहाँ कन्फर्म है, ये कुछ यहाँ भी हिल गया है, ये है कन्फर्म, वो है कन्फर्म, यहाँ ऐसी रेत तो मिलता है ना बारीक रेत का, मोटी रेत तो पता नहीं लगता, यहाँ दब गया किसी के पांव से, बहुत लोग आए होंगे ना, हाँ लकड़ी घास वाले आते हैं ना, तो उनका भी ये ट्रेड है चलने की, ये लपट जा रहे हैं, टाइगर का इससे काफी बड़ा होता है, अभी दिखेगा भैया तो लपट का है, लपट का भी टाइगर का नहीं, हाँ लपट का है, ये कुछ एनिमल्स के हैं, हाँ मोर के भी हैं, सारे जानवर जो एक्टिविटी कर रहे हैं, देखो ये है किले का निशान है, ये है किले, ये वाला है किले, लेपर्ड का है, लेपर्ड का छोटा, हाँ यहाँ है ऐसे चल रहा है, बारीक रेत तो पता लग जाता है, मोटी रेत तो पता नहीं लगता, थोड़ा दूर दूर भी देखते रहो साथ साथ, हाँ तो चलो नीचे देख के चल रहे, लकड़ी घास वाले चल रहे सीधा वही सामने मिले बैठा हुआ, हाँ कि पगमार्क मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे होते हैं ऊपर तो देखो, जनरल पग बाहर से दिखाता हूँ, तुम्हारा ध्यान किधर है, पग वाला इधर है मैं जनरल दिखाता हूँ आपको, सारे ऊपर बना के दिखाएगा, हाँ चंदन जी जा रहे थे वो भी चलेंगे कल, चंदन जी, चंदन जी फिर अपने काम में व्यस्त हो गए, हाँ अपने काम में व्यस्त हो गए होंगे, पूरा अंधेरा भी हो गया था ना, हमने हम लेट हो गए थे, लेट हो गए, हाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है ना, अच्छा अभी टाइम देखो 2 बजे हैं, आई थिंक देखो यार ये अंधेरा भी कैसे हो गया, हाँ ये होता है ना, तो अब आप ये देखो ये जगह देखेंगे,
ऐसी जगह में तो बैठा होता आराम से और शिकार करके इसी में कुछ जानवर चला बस पकड़ लिया दबोच लिया और की नहीं है जानवर की सिंह की ये है मामला जंगल का पहला रूल बच्चे पे तेज तेज पैर नहीं रखना है क्योंकि अगर आगे जानवर होगा तो आपकी आवाज से भाग जाएगा और हमें उसे भगा नहीं है वरना वो हमें भगाएगा वैसे तो उसे भगाना ही है लेकिन दूर से दिखे तो अच्छा जब आप लोग चलते हो ना तो आप लोग ध्यान देते हो कि आगे क्या है पगमर कहाँ है मेरा पता क्या था होता है देखो कि ऐसा पेड़ कहाँ है जब वहां से चार्ज करेगा तो सबसे पहले ऊपर जब तक वो आएगा तब तक इसके ऊपर 10-15 फीट तक तो कम से कम चली जाए लेपर्ड के केस में नहीं टाइगर के लेपर्ड तो ऊपर ही बैठ के खाएगा क्या सामने तो ऊपर ही पहुंचा दिया इन्होंने रूम सर्विस आप पूछ रहे थे कहाँ खाओगे ऊपर तो पूछेंगे कहाँ खाओगे ऊपर ही ठीक रहे यहाँ यहाँ देखो वहाँ वहाँ बारिश बहुत देखते ये एक्चुअली एरिया ना मेन इससे थोड़ा सा हटके है पर आगे रास्ता बन रहा है तो ये रास्ता नहीं है यहाँ बाकी मोर वोर और ये सब तो आ जाएंगे सफारी है ना तो टाइगर या लेपर्ड तो है वो रास्ते के ऊपर ज्यादा करेगा हाँ बाई चांस तो है वो बैठ भी सकते हैं और आराम कर सकते हैं रास्ता यही है रास्ता यही है क्योंकि इसमें काफी कुछ चला हुआ है ना पता है कैसा रास्ता कोई भी चीज शुरू करने से पहले ना जी जी उसका सभी लोगों से मिलकर एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है तो बिल्कुल सही कह रहा है ना उसके बिना तो क्या है अकेले तो आप क्या सीखोगे खुद अपने आप को छोड़ना सिखा सकते हो जी 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 है ना जो गांव वाले सुबह जल्दी उठते हैं ना तो वो ऊपर से लेपर्ड और टाइगर को देखते हैं हमारे गांव वाले मेरे को कितनों ने बता रखा है क्योंकि मैं तो सेंटर में रहता हूँ ना गांव के जो लोग गांव के किनारे पर रहते हैं ना वो सुबह घूमने आते हैं तो उनको कभी कभी इस पर टाइगर और लेपर्ड चलता हुआ देखा अभी 6 बजे लेपर्ड भागता हुआ देखा ऊपर ऊपर से हाँ ऊपर से यहाँ पे ये गांव है बिल्कुल वहीं का मकान है आगे जाकर तो यहाँ पर बैठने में बहुत बढ़िया ऊपर में यहाँ पर गाड़ी लगा के यहाँ लग जाती है गाड़ी हाँ यहाँ गाड़ी लगा के बैठ लो और जो है लंबा लंबा लेके शांत होकर बैठ लो बिल्कुल नीचे का पूरा और ऊपर का नीचे और जो है आराम से दिखाई देता है लगाए आज गाड़ी जैसे ये लोकेशन तो बहुत बढ़िया है इसमें मैं टाइगर दिखा दूंगा आपको गारंटी है मेरी आपके गांव के लोग भी मोस्टली ऐसे होटल्स वगैरह में ही अटैच होंगे हाँ, ही काम करते होंगे हाँ, यही ज्यादा काम इधर कोई रोजगारी नहीं है या तो फिर कोई गंदी फावड़े वगैरह वगैरह वाला काम है होटलों में थोड़ा ये हमारे साकेत जी बहुत पीछे रह गए हैं हाँ वो कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता है दोस्तों इस समय बिल्कुल नाले के बीचों बीच है हाँ फॉरेस्ट है और ये पूरा फॉरेस्ट है जो आपका आवाज आ रही है ये राइट साइड में लेती है हाँ और वहाँ पे लोग कुछ लकड़ी काट रहे हैं
इस वजह से थोड़े से हम रिलैक्स भी हैं, क्योंकि शोर में जो है खतरा निकल थोड़ा कम ही आता है, पर ये जो टाइम है ये उनके निकलने का टाइम हो गया है। अगर टाइगर ने इस समय आना है तो वो आएगा ही, वो शोर से भी हटेगा नहीं अगर उसको ये रास्ते पर आना है तो, या वो आ रहा होगा यहाँ से नहीं आगे से, आगे से सर। अब हमने प्लानिंग करी है यहाँ पे गाड़ी लगा के रात को सोएंगे आराम से 5-6 घंटे आज 5-6 घंटे फिर तो सुबह तक ही सोएंगे। गाड़ियाँ आएगी कैसे? ये तो हमारे जो मालिक हैं कुबेर जी हैं, जो यहाँ के लूटी विलेज के मालिक हैं, यही बताएंगे। गाड़ी ना नीचे है, गाड़ी कम ही आएगी, गाड़ी तो थार ही पहुंचेगी वहां तक। हाँ, पत्थर है ना, इतने बड़े बड़े पत्थर। अच्छा, उसमें आपकी गाड़ी कूद नहीं पाएगी, हमें ही कूदना पड़ेगा। एक दिन तो ये देखिए सबसे अच्छा, देखिए ये वाला, ये देखिए यहाँ पे अब मिलने से मिलेंगे, हार्ड है ना थोड़ी सी जमीन, ये देखिए ये चल रहा है, यहाँ से निकला, यहाँ से निकल गया, उधर ही जा रहे हैं। अरे तो पत्थरों में बैठा होगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ नहीं नहीं भाग जाएगा ऐसा है ना, वहाँ देखो वो है वो जो, ये देखो ये कितना शानदार है, ये तो बारीक है ना, ये देखो पूरे में लग रहा है, ये इतना बड़ा पैर है उसका, लपड़ है ये, हाँ लपड़ है, ये पूरे आगे लगे हुए। देखो झाड़ी के मैं बोल रहा था ना, किनारे किनारे चलता है चिपक, ऐसे ऐसे दिखेगा आपको जाता हुआ, उसको पता है कि मेरे को कौन सी जमीन पे पांव रखना है, दबे और आवाज ना आए जिसमें। आवाज ना आए। मैं वही होता हूँ, और उनको अपने रास्तों का ना पता होता है, पता होता है, क्योंकि वो तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें पता है कि कहाँ पे पैर रखना है और कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है। इसमें मैंने बड़े बड़े टाइगर के निशान देखे हैं, इस रास्ते में ये पतली रेत है ना, ये भी रास्ता जा रहा है, ये भी उसी टाइप वो रास्ता है, ये वाला ये भी आता है ना कई बार, इसे मेरे को टाइगर के बड़े बड़े पंजे मिल गए। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता भी यही सामने, यही है थोड़ा सा वहाँ पर, देखिए मैं आपको नीचे जाऊँगा, हाँ यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये पूरे में ही घूमा है, ये इस तरफ आया है ना, ये इसमें जाता है, यहाँ से भी जाता है, निकल जाता है, आया है, वो देखो वो है उसका आने जाने का रास्ता, कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे है लेपर्ड। ये मैं दिखाता हूँ, पोती है के मार के, बात नहीं की ट्रॉपिंग दिखा रहे हैं, पूरे शुद्ध भाषा में बोल दिया उन्होंने, लेकिन ट्रॉपिंग है यहीं से निकला, निकलता यहीं से, ये तो प्रॉपर रास्ता है, मैंने कई बार देखा इसमें, इस पर मेरा कई बार टकराता है, ये लपड़ है जो कुबेर जी को पहचान गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए आइए, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, ये रहा,